गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे सामने 2024 की मारुति सुजुकी इग्नी जो कि मारुति के नेक्सा आउटलेट में आती है एंड इसमें आपको प्राइस की सबसे काफी बड़े प्रीमियम ने से काफी बड़े फीचर्स मिल जाते हैं। करंटली हमारे सामने इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट जो है अल्फा विद मैनुअल ट्रांसमिशन, उसी साथ इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। वही अगर आपको इस गाड़ी में ड्यूल डुअल थीम भी चाहिए तो वो आपको इस वेरिएंट में मिल जाए। हाँ, उसके लिए आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। देन बात कलर की, तो करंटली हमारे पास इस गाड़ी का नेक्सा ब्लू कलर जो कि नेक्सा का एक प्रीमियम कलर है। एंड वही बात इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी की एक्सशोरूम प्राइस 761,000। आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी का डिटेल में रिव्यू करने वाले एंड देखने वाले कि इस गाड़ी में आपको 2024 में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर, जिससे कि आपको रोज ऐसे बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। सो बिना किसी देरी के करने हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की तो यहाँ पर आपको ना कुछ इसी तरह की अपनी की देखने को मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको इस गाड़ी में कीलेस एंट्री मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको जो सुजुकी का लोगो मिलता है, रियर में यहाँ पर आपको जो है दो बटन मिलते हैं, एक गाड़ी को लॉक करने का, दूसरा गाड़ी को अनलॉक करने का। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको जो कोई भी बटन देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो फ्रंट से कुछ इसी तरह का लुक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मिड में आपको यहाँ पर जो है अपना सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, वो भी क्रोम फिनिश के साथ। साइड में यहाँ पर आपको जो अपनी मेन ग्रिल है वो आपको यहाँ पर जो है मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग साथ मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो है अपनी क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो अपना रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, वो भी मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग साथ। यहाँ पर आपको जो सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। अगेन नीचे यहाँ पर आपको जो अपनी मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। यहाँ पर इस गाड़ी का टोक, देन यहाँ पर इस गाड़ी की फॉग लैंप, जिसमें आपको यहाँ पर जो है हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप मिलते हैं। साइड में यहाँ पर आपको जो अपनी मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो अपनी थोड़ी बहुत जो है क्रोम कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अपनी हेडलैम्प से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर ना इस अपने पूरे पोर्शन को कवर करती है। बात करें हेडलैम्प की, तो यहाँ पर आपको जो पूरा अपना एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा, सिर्फ अपना हेडलैम्प का, जिसमें यहाँ पर आपको जो एक सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, जिसमें आपको हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाती है। साइड में यहाँ पर आपको जो अपने डीआरएस देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको जो साइड इंडिकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पर जो हेलोजन बेस देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अपनी ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो है इस तरह की इस गाड़ी की हेडलैम्प यूनिट है, दिखने में काफी बढ़िया लगते हैं, काफी प्रीमियम से लगती है। सो बात की इस गाड़ी के इंजन की, तो इसको ना हम पहले ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको ना इस गाड़ी में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इस गाड़ी में इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो है ओवरऑल इस गाड़ी में 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 81 bhp एंड 113 nm ऑफ टॉर्क। एंड यहाँ पर इस गाड़ी का कुछ इस तरीके का अपना इंजन बेफ, यहाँ पर मुझे फोर सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। सिर्फ में आपको सिर्फ अपना थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, बट यहाँ पर मुझे इंग्लिश में फोर सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को साइड में यहाँ पर इस गाड़ी में सबसे पहले अपने ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपने प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर मुझे इस गाड़ी में 15 inches के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसकी टायर साइज है 175/65R15। फ्रंट में यहाँ पर मुझे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में वहाँ पर मुझे ड्रम ब्रेक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ इस गाड़ी की फ्यूल लीड मिलती है, जिसमें यहाँ पर कुछ 32 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ अपना इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट दिखने में काफी बढ़िया सा लगता है। बॉडी गार्ड यहाँ पर कुछ डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड वही आपको यहाँ पर जो अपने को पैसेंजर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, एंड वही आपको ड्राइवर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ सिल्वर कलर के रूफ रेस मिलते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, रियर में यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपना स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, देन ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ अपना नॉर्मल सा एंटीना देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर कुछ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना एलईडी में, एंड नीचे की तरफ एकदम छुपा करना यहाँ पर कुछ वाइपर वॉशर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रियर में यहाँ पर कुछ रियर डिफॉगर एंड वाइपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्सा की बैजिंग एंड यहाँ पर कुछ अपने मिड में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। साइड में यहाँ पर मुझे इंग्लिश का लोगो देखने को मिल जाएगा। वही टेल लाइट की बात करें, यहाँ पर आपको ना पूरा अपना एलोजन बेस्ड टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे ब्रेक लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने एलोजन बेस है। यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने एलोजन बेस है। एंड यहाँ पर इस गाड़ी की रिवर्स लैम्प, यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरफ यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर इस गाड़ी के रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो कि आपको यहाँ पर एक मिलता है एंड यहाँ पर मिलते हैं, बाकी आपको वहाँ पर जो है और दो मिल जाते हैं। मतलब इस गाड़ी में आपको टोटल चार रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे तरफ यहाँ पर आपको जो सिल्वर कलर की अपनी थोड़ी बहुत फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। एंड कुछ इस तरह का इस गाड़ी का रियर लुक, रियर से यहाँ पर आपको जो है अपना रिवर्स कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। तो उसकी मैं आपको बाद में कैमरा क्वालिटी जो है वो चेक करके दिखा दूंगा। सब हम इस गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में ना यहाँ पर आपको जो ओवरऑल काफी प्रीमियम सब इंटीरियर जो है देखने को मिल जाते हैं। काफी बेसिक सा है, बट दिखने में ना काफी बढ़िया आपको दिखता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको ना ब्लैक एंड व्हाइट कलर का अपना कॉम्बिनेशन मिलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात की अपने स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर आपको ना पूरा अपना सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी में फ्लैट बॉटम वाला स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता है, जो कि आपको मारुति के ऑलमोस्ट सभी कार्स में देखने को मिल जाता है। फिर भी यहाँ पर आपको जो है सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। वही लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो अपने स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाए, जिसमें यहाँ पर आपको जो इन्फो एंड वॉल्यूम को म्यूट करने का बटन मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर अपना मोड को आप चेक कर सकते हो, मतलब अपनी जो स्टीयर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। राइट साइड में यहाँ पर कुछ कोई भी अपने कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते।
देन ओवरऑल यहाँ पर आपको ना अपने नीचे की तरफ भी थोड़ी बहुत अपने कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। वॉइस कमांड के भी आपको यहाँ पर जो अपने बटन देखने को मिल जाएंगे। एंड साइड में यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की अपनी फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। देन बात करिए डोर पैनल्स की, तो यहाँ पर आपको ना अपने ग्लॉसी ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो अपने चारों पावर विंडो से कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से अपनी जो विंडो है उसको आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। एंड यहाँ से अपनी जो गाड़ी है उसको आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। साथ साथ यहाँ से अपने जो ORVM से आप इलेक्ट्रिकली उनको फोल्ड भी कर सकते हो, तो वो अभी नहीं होंगे क्योंकि मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है। पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं एंड आप देखो ये अपने फोल्ड एंड अनफोल्ड हो रहे हैं। जैसे हम इसको फिर से दबाएंगे अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ से इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको जो अपने बॉडी कलर अपने ग्रैब हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि दिखने में ना काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको अगेन कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलते, बट यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ बॉटल वगैरह रखने के लिए जगह दे रखे हैं। ओवरऑल इस गाड़ी में आपको चार स्पीकर्स मिलते हैं एंड दो अपने ट्विटर्स मिलते हैं, जो कि एक अपना वहाँ पर है एंड दूसरा अपना यहाँ पर है। बोनट वगैरह को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे कि आप इसके गाड़ी के जो बोनट है उसको ओपन कर सकते हो। एंड देन बात कीजिए इस गाड़ी के साइड की, मतलब राइट साइड में यहाँ पर कुछ अपने सर्कुलर AC के मैट्स मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत अपनी कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर कुछ सिल्वर कलर की अपनी फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर कुछ ट्रिप वगैरह की इन्फो वगैरह के जो बटन है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पर जो है कीलेस एंट्री मिलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, जो कि अपना यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा एंड यहाँ पर कुछ दो डमी बटन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इस गाड़ी का हेडलाइट लेवलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस गाड़ी के अपने पेडल्स, यहाँ पर कुछ प्रॉपर डेड पेडल तो नहीं मिलता है, यहाँ पर कुछ एक डेड पेडल वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। देन ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ कोई भी अपना वैनिटी मिरर नहीं मिलता, नहीं आपको यहाँ पर जो लैंप मिलता है, बट यहाँ पर कुछ टिकट होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। मिड में यहाँ पर कुछ अपने कैबिन लाइट मिलते हैं, जो कि अपनी हेलोजन बेस है। एंड यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में एक वैनिटी मिरर मिलता है, बट यहाँ पर भी आपको जो है कोई भी अपने लेफ्ट वगैरह नहीं मिलते। ORVM की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पर जो है डे नाइट वाला मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप जो है डैश कैम देख रहे हो वो ना आपको इस गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं मिलता है, मतलब फैक्ट्री फिटेड तो नहीं मिलता है, बट वो ना यहाँ पर जो है कंपनी ने एज एक्सटर के तौर पर लगाया है। अब आप इसकी क्वालिटी जो है वो देख सकते हो, ये ना यहाँ से कनेक्ट है, मतलब इसको मैं जब निकालूंगा ये ना अपना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है, एक सेफ्टी फीचर भी है, तो काफी बढ़िया बात है। देन आपको यहाँ पर जो है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसको मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है अपना नॉर्मल सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, मतलब फुली डिजिटल ये नहीं है। यहाँ पर कुछ अपने MID मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ लो फ्यूल वगैरह के इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ टाइम टेम्परेचर एंड फ्यूल गेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो अपने किलोमीटर रेंज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी का स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको 220 तक मार्किंग मिलते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के जो इंजन लाइट वगैरह वो आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको ब्लूइश कलर की या फिर ग्रीनिश कलर की थीम मिलते हैं, जो कि अपने यहाँ पर भी मिलते हैं एंड ऊपर की तरफ भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर इस गाड़ी का लेफ्ट में RPM मीटर, जिसमें यहाँ पर आपको 8000 तक मार्किंग देखने को मिल जाती है। एंड बाकी आपको यहाँ पर जो अपनी दुनिया भर की इंडिकेशन देखने को मिल जाती है। देन आपको दोनों ही साइड में अपने AC के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। देन मिड में यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी का स्टीरियो देखने को मिल जाएगा, जिसकी साइज मेरे हिसाब से 7 इंचेस की है, जिसमें यहाँ पर आपको जो नॉर्मल सा अपना स्टीरियो मिलता है, जो कि आपको मारुति के ऑलमोस्ट सभी कार्स में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको मीडिया फोन कनेक्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको FM के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड इसमें आपको बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। जिसके हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें आपको डिस्प्ले डेट एंड टाइम व्हीकल अलर्ट के जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो है अलर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप इस तरीके से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर जो है नीचे की तरफ अपने FM, AUX, ब्लूटूथ वगैरह के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से अपना बाहर आ सकते हो। एंड ओवरऑल अब मैं आपको इसकी जो है रिवर्स कैमरा क्वालिटी जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कुछ तरह की इसकी कैमरा क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड क्वालिटी वाइज दिखने में काफी बढ़िया है, मतलब आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी तो नहीं मिलती है, बट इसके मदद से मैं श्योर हूँ कि आप अपनी गाड़ी को आराम से रिवर्स कर पाओगे। इसी तरफ यहाँ पर कुछ हेजर लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो डमी बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर इस गाड़ी की AC कंट्रोल्स, जो कि ना मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगे, मतलब दिखने में ना काफी एक्सपेंसिव से लगते हैं, मतलब प्रीमियम कार्स में आते ना वैसे वाले लगते हैं। इसमें फीचर्स तो आपको नॉर्मल कार्स वाले मिलते हैं, बट डिजाइन ना काफी बढ़िया मिलता है। दोनों साइड यहाँ पर आपको ना ये डिजाइन मिला, जो कि ना वर्किंग नहीं, मतलब ऐसे डमी लगा रखा है। यहाँ से अपने जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, मतलब अपनी हीट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपनी जो ब्लोअर की स्पीड है उसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर AC के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको उसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट डिफॉगर है, रियर डिफॉगर का भी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे तरफ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो कि करंटली कनेक्टेड है अपने डैशकैम से, मतलब डैशकैम इसके ना कनेक्टेड है। देन यहाँ पर आपको साइड में AUX कॉर्ड एंड USB कॉर्ड देखने को मिल जाएगा एंड साथ साथ यहाँ पर कुछ चार डमी बटन्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे तरफ यहाँ पर कुछ कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता है, बट यहाँ पर कुछ स्टोरेज की जगह दे रखे हैं। यहाँ पर इस गाड़ी का ट्विन का होल्डर एंड साइड में अगेन यहाँ पर आपको जो बॉडी कलर अपनी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ऐसी लोकल वाली नहीं है, मतलब काफी प्रीमियम सी है। ग्लॉसी कलर की आपको यहाँ पर जो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफी बढ़िया लगते हैं। यहाँ से अपनी स्टार्ट होती है, यहाँ पर आ जाती है। देन यहाँ पर कुछ इस गाड़ी का गियर नॉब जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ साथ ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आती है। रियर में यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो है
थोड़ी बहुत अपनी जगह दे रखी है स्टोरेज वगैरह के लिए, मतलब बॉटल वगैरह को आप यहाँ पर रख सकते हो। बस ये ग्लोव बॉक्स के, तो यहाँ पर आपको ना ग्लोव बॉक्स में काफी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है एंड यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है। ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर जो नॉर्मल सा मिलता है, कोल्ड ग्लोव बॉक्स वगैरह आपको यहाँ पर जो ऑफर नहीं किया जाता। करंटली मैं आ चुका इस गाड़ के रियर में, रियर में ना हैचबैक के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है काफी डिसेंट अपना स्पेस जो है या फिर लेग रूम जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के डोर पैनल्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ अंदर के डोर हैंडल्स जो है वो आपको सिल्वर कलर के फिनिशिंग मिलते हैं। नीचे तरफ यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर की फिनिशिंग मिलती है एंड अगेन यहाँ पर कुछ कोई भी अपना सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलता है, बट यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर रियर पावर विंडोज के कंट्रोल्स, नीचे तरफ यहाँ पर कुछ बॉटल वगैरह रखने के लिए जगह दे रखी है एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट। सीट्स में यहाँ पर कुछ अपना स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है, जिसमें यहाँ पर अपना अपने पैसे वगैरह छुपा कर रख सकते हो एंड देन यहाँ पर मुझे अपने दो एड्रेस मिलते हैं जो कि अपने फ्रंट में, रियर में यहाँ पर मुझे दो एड्रेस मिलते हैं जो कि अपने एडजस्टेबल हैं, बट यहाँ पर मुझे मिड में कोई भी अपना एड्रेस वगैरह नहीं मिलता। यहाँ पर मुझे अपने ग्रैब हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ यहाँ पर मुझे इस गाड़ी में पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, जिसकी पोजीशन ना यहाँ पर होती है, शोरूम वालों ने इसको ना बाद में लगाने के लिए यहाँ पर रख रखी है। सीट्स की बात करें, यहाँ पर आपको ना इस गाड़ी में इस वेरिएंट में इस तरह की ब्लैक सीट्स देखने को मिल जाती है। एयर में यहाँ पर आपको जो कोई भी अपनी कैबिनेट वगैरह नहीं मिलते, जो कि आपको सिर्फ वही मिलते हैं जो कि अपने हेलोजन बीज हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी अपनी लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो करंटली हम इस गाड़ी के रियर में, रियर में यहाँ पर मुझे इस गाड़ी में काफी बढ़िया अपना बूट स्पेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 260 लीटर्स का मिलता है। देन बात की इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पर आपको ना मैं एक बार उसको निकाल कर दिखा देता हूँ। स्पेयर व्हील से पहले यहाँ पर कुछ अपने लगेज लैंप जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि अपने हैलोजन बीज है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर मिलते हैं अपने राइट साइड में, यहाँ पर कुछ कोई भी अपने लगेज लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलती। बात की इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की साइज की, तो यहाँ पर ना 175/65 R15 की साइज मिलती है, मतलब यहाँ पर कुछ सेम 3 इंच के अपना जो है स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है एंड ये पार्सल ट्रे करंटली यहाँ पर होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। दोस्तों यही था इस गाड़ी का क्विक सा रिव्यू। अगर आप गोवा से आपको नेक्सा की किसी भी गाड़ी को परचेस करना है, आप नेक्सा चौगुले आले में कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका नंबर मैं आपको यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट करा दूंगा। सो करते हैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।